बच्चों, जिस प्रकार से हमारे शरीर की रक्षा हमारी त्वचा करती है, उसी प्रकार से पौधों में भी त्वचा पाई जाती है जो उनके शरीर की रक्षा करती है। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि ये त्वचा दिखती कैसे है। चलिए इसे देखने के लिए हम एक क्रियाकलाप करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए रियो की पत्ती, पेट्रीडिश, फॉर्सेप, स्लाइट, ब्लेड, कवर स्लिप, ग्लिसरीन और पानी। आप रियो की पत्ती को देख सकते हैं। इसकी ये ऊपरी परत है जो हरे रंग की दिख रही है और इसकी ये निचली परत है जो लाल रंग की दिखाई दे रही है। इसके जगह आप दूसरी मांसल पत्तियाँ भी उपयोग कर सकते हैं। लेकिन बच्चों, आपको ध्यान रखना होगा, जब आप मांसल पत्ती लेंगे तब आप उसे अभिरंजित करेंगे। सबसे पहले हम इस रियो की पत्ती को एक दबाव के साथ तोड़ेंगे ताकि इसकी निचली झिल्ली अलग हो जाए। फिर हम उसे ब्लेड की सहायता से काट लेते हैं और पानी में डाल देते हैं ताकि इसकी कोशिकाएं सूख न जाए। इसे हम स्लाइड के ऊपर रखेंगे और इसमें एक बूंद ग्लिसरीन की डालेंगे। अब हमें स्लाइड को कवर स्लिप से फॉर्सेप और नीडल की सहायता से धीरे से ढकना है। और बच्चों, आपको ध्यान देना है, जब आप इसको ढकेंगे तो इसमें हवा के बुलबुले अंदर प्रवेश न करें, इसलिए हम इसे धीरे धीरे से ढकते हैं। इस प्रकार से मेरी स्लाइड रेडी हो गई है। चलिए इसे हम सूक्ष्मदर्शी में देखते हैं। तो सूक्ष्मदर्शी में जो कोशिकाएं दिख रही है वे पौधे की बाह्य परत, बाह्य त्वचा या जिसे त्वचीय ऊतक कहते हैं, ये पौधों की रक्षा करती हैं। इन कोशिकाओं में अंतरकोशिकीय स्थान इंटरसेलुलर स्पेस नहीं दिख रहा है। इसके अलावा इसमें कुछ विशेष प्रकार की रचनाएं भी दिख रही हैं जिसे हम रंध्र कहते हैं। इन रंध्रों को द्विवृक्क आकार की कोशिकाएं घेरे हुए हैं जिसे रक्षी कोशिकाएं कहा जाता है और इनका कार्य होता है वायुमंडल से गैसों का आदान प्रदान करना। इसके अलावा इन रंध्रों का काम पानी को वाष्प के रूप में बाहर निकालना भी होता है। अगर आपको इस प्रकार की कोशिकाओं का समूह दिखाई दे तो इस प्रकार की कोशिकाओं के समूह को हम त्वचीय ऊतक या एपिडर्मल टिश्यू कहते हैं।